नमस्ते। अभी एक सीजन शुरू होने जा रहा है एग्जाम्स का पूरे इंडिया के अंदर, और इस एग्जाम के सीजन के साथ साथ एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम इस डिप्रेशन, इस स्ट्रेस को समझ सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसे लास्ट तक देखना। सबसे पहली जो चीज़ हमने सोचनी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें अपने एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, ये हमारा जो पूरे इंडिया के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमें इवैल्यूएशन करने का, हमें जांचने का कि हमारे अंदर कितनी योग्यताएं हैं, कितनी हमारी कैपेसिटीज़ हैं, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको जो इवैल्यूएट करने का एक सिस्टम है उसे समझना है। अगर हम देखेंगे एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम है क्या दरअसल, यहाँ पे 2-3 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर नॉर्मली 70 से लेकर 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, और उससे हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि हम कितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना अच्छा हम लिख पाते हैं। और बेसिकली हम जो भी लिखते हैं वो एक तरह से इवैल्यूएशन होता है हमारी मेमोरी का, कि हमें कितना याद है, हमने एक साल में जो भी पढ़ाई की उसका हमें कितना याद है। अब बहुत अचंभे वाली बात है कि आप किसी की मेमोरी से इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी की भी कैपेबिलिटीज़ का, किसी के भी क्षमताओं का, उसकी योग्यताओं का, कि उसके अंदर याद करने की कितनी कैपेसिटी है। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि उससे ये नहीं पूछा जा सकता, उसको ये बताने का मौका नहीं है, उसको कितना आता है, उसने क्या रिसर्चेस करी हैं, या उसके पास में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या कितनी एडवांस जिस भी स्टडी वो कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत अजीब है कि यहाँ पे पूरे इस धरती के ऊपर एक पैटर्न है कि अगर आप मेमोरी यानी कि एक साल में आपने जो पढ़ा है उसको याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता। मतलब ये सोसाइटी आपको ऐसा मानती है कि आपने अगर अच्छे नंबर नहीं लिए तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो एक एग्ज़ाम आपको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता फ्रेंड्स, कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन पता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास में मेमोरी शार्प हो, उनको याद रखने की क्षमता हो, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो आपसे इंटेलिजेंट हैं, क्या उनके नंबर ज़्यादा जाते हैं तो वो आपसे इंटेलिजेंट हैं, इससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता। आपकी कैपेसिटी हो सकता है किसी और चीज़ में, मेमोरी में ना होकर किसी और चीज़ में, एक्सप्रेशन में अच्छी हो, या फिर हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छी हो, या बहुत सारे ऐसी आर्ट्स हैं, विधाएं हैं जिनके अंदर आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हो सकती हैं, आपकी दक्षता हो सकती है, उनमें कॉम्पिटेंस आपकी अच्छी हो सकती है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं वो उससे आपकी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा, अभी जो पूरे इंडिया के अंदर जो पैटर्न है, पूरे इंडिया के अंदर अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं मार्क्स से, नंबर से। और ये पूरे ना हम सभी छोटे बच्चों के अंदर ये डाल रहे हैं कि तुम्हारे इतने अगर मार्क्स आते हैं तो तब ही तुम्हारी कोई वैल्यू है इस सोसाइटी में, नहीं तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी अजीब बात है ये कि किसी के नंबरों से हमें उसकी वैल्यूएशन का पता चलता है, उसकी एक तरह से अहमियत पता चलती है। ये नंबर का जो सिस्टम है ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलता है। फिर तुम बचपन से लेकर इस नंबर सिस्टम को देखोगे, जब तुम 12th मैथ होगी तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं, जहाँ पे भी तुम जाओगे ना, तुमने तुम बोलोगे कि मैंने अभी अभी 10th करी है, मैंने 12th करी है, मैंने ग्रेजुएशन किया, सबसे पहले एक बात होगी कितने परसेंट मार्क्स हैं। कम ऑन, इससे तुम्हें जांचा जाता है। मतलब ह्यूमैनिटी का जो स्तर है, हमें कलर से, मतलब नंबर से, हर जगह पे नंबर, कलर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उससे हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि इससे तुम पता चलता है कि तुम इंसान हो, कैसे इंसान हो। हम ऐसी इमेज बनाते हैं दूसरे के बारे में, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। ये नंबर जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ फिर चलेगा ये पूरी ज़िंदगी। जब तुम जॉब में जाओगे, तुमसे पूछेंगे तुम्हारी सैलरी कितनी है, अरे वाओ। फिर तुम बढ़ते जाओगे सैलरी के लिए, नंबर बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है, जो खुशी है, वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिखाया यही गया है कि जब तक तुम अच्छे नंबर्स में कोई भी चीज़ नहीं करते, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम खुश नहीं हो सकते। तो ये पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। तो तुम्हें बेसिक यहीं से सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी नंबर तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकते, चाहे तुम किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO ही क्यों ना बन जाओ, वहाँ पे भी तुमसे नंबर, तुम्हारे जो
बॉस होंगे सीईओ बनने के बाद में, जो जिस जो कंपनी के फाउंडर्स होंगे वो तुमसे नंबर पूछेंगे, हर जगह नंबर, हर नंबर नंबर नंबर, और तुम इस पूरी जिंदगी को इस नंबर के गेम में गंवा दोगे। तो सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर की तरफ मत देखो, अपनी खुशी की तरफ देखो, उसको ढूंढना शुरू करो, और वो खुशी तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे अंदर है वो खुशी, कोई नंबर तुम्हें कभी नहीं दे सकते। इवन जिनके 100% नंबर भी आ जाएंगे ना, वो भी ये सोचेंगे कि मेरे 101% क्यों नहीं आए। जिनके 99.99% नंबर आते हैं वो भी ये बोलते हैं कि 1% कहां पे मिस हो गया, वो जो 0.1% था वो कहां मिस रह गया। तो ये पूरी जिंदगी माइंड के गेम में हमें फंसाया जा रहा है कि तुम्हें हमेशा अच्छा 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 अच्छा, और इतना बड़ा नंबर चाहिए हर एक चीज के लिए, हर एक तुम्हें बड़ी ही करनी है। तुम्हें ये नहीं सिखाया जा रहा कि तुम्हें खुश कैसे रहना है भैया, तुम्हें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि तुम्हें जिंदगी में क्या क्या चीजें अच्छी कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी में बेटर कर सकते हो, कंपेयर मत करो, ये कभी नहीं सिखा रहा कोई। हमेशा कंपैरिजन करते हैं जो तुमसे मार्क्स अच्छे लेके आता है, या तुमसे अच्छा स्पोर्ट्स में खेलता है, या तुमसे अच्छी पेंटिंग, उससे कंपैरिजन करते हैं यदि तुम कुछ करते हो। तुम ये नहीं बोलता कोई भी कि तुम जो करते हो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको करो दिल से करो। तो मैं सभी जितने भी एस्पिरेंट्स अभी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे वो कॉलेज के हैं, सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को कंपेयर मत करो। जितना भी तुम्हें मेमोरी में तुम स्टोर कर सकते हो उसको करो, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करो, और जितने भी मार्क्स आते हैं उनको एक्सेप्ट करो। वो तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। जो तुम्हें करना है वो तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, और जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। दरअसल इस पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई नहीं सोच सकता। मैं हज़ारों बच्चों से मिलता हूँ, हज़ारों स्कूल्स में जाता हूँ, स्कूल्स में जाने के बाद में बच्चों के हर जगह बिहेव क्वेश्चन होते हैं, मेरे मार्क्स का मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं ये करना चाहता हूँ मैं उसके लिए कर नहीं पा रहा हूँ। हर जगह मैं स्कूल्स में जाता हूँ बच्चों से यही क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर लोगों के यही मैसेज आते हैं बच्चों के स्पेशली कि हम कैसे करें क्या करें। तो अब तुम समझो इस गेम को, तुम्हें इस गेम को समझना है, अपना बेस्ट करना है, जो भी तुम करना चाहते हो, चाहे वो मार्क्स हैं चाहे वो किसी भी तरह से तुम्हारी कोई भी इंटरेस्ट है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, रिलैक्स होके देना है। एग्जाम में जाओगे बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ, वहाँ पे आराम से जो भी आता है उसको करो, और जो भी मार्क्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो तुम्हें बेस्ट आता है उसको करो, उससे नहीं भागो। तो मेरी बेस्ट विशेष सभी के लिए है, सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। जितने भी तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे, खुल के जाओ, मस्त होके जाओ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे बेस्ट एग्जाम के लिए जा सकते हो प्रिपेयर होके। सो थैंक यू सो मच, माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, नमस्ते।